हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ अभी। मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रही थी अपने स्टोर। एक्चुअली हमें कॉल आया था तो बोला गया था कि 12 बजे हमें टच होना है स्टोर, तो मैं बस उसी के लिए निकली हूँ घर से। तो देखिए मैं अब क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने शूट करना चाहिए था, मैंने कर लिया। और फिर मैं आप लोग से शेयर करती हूँ कि आज मैं क्यों गई थी स्टोर और मैंने क्या क्या किया दिन भर में। मैं पहुँच ही रही हूँ स्टोर अभी। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हे फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ अभी घर के लिए। हो गया है मेरा काम जिस काम के लिए मैं गई थी, और आगे आपको पता चलेगा मैं स्टोर क्यों गई थी। मैं चलते चलते, मतलब घर जाते जाते काफ़ी सारे काम किए थे, जिसमें मैंने कुछ सामान भी लिया था और मैंने चिकन भी लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था। तो ये स्टोर अभी मैं घर पहुँच गई थी। घर पहुँचने के बाद इसे स्टोर मतलब सैनिटाइज करके बाकायदा रखा हुआ है अच्छे तरीके से। तो देखिए मैं इतना सारा सामान लेकर आई हूँ अभी, और सारा खाने का सामान है। तो मैं मिलती हूँ आपसे फ्रेश होकर। वेलकम बैक टू माय चैनल माही फैशन एंड लाइफस्टाइल। अभी मैं आ गई हूँ जाके अपने स्टोर से। तो उसके पहले आपने तो देखा होगा मैंने जो वीडियो शूट किया था, बस थोड़ा सा क्लिप था जो मैंने लिया था। मैं बार बार जब गाड़ी चलाती हूँ तो अपने मोबाइल का यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, और बार बार फिर सैनिटाइज भी करना पड़ता है, इसीलिए मैं एक ही बार मतलब कर लेती हूँ। तो अभी मैं स्टोर से आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद मैं फ्रेश फ्रेश हो गई थी बाकायदा, मतलब नहा धो लिया था, क्योंकि जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर आने के बाद मैं फ्रेश हो जाती हूँ, ताकि अपना भी रिस्क कम हो जाए और फैमिली का भी फिर लेना रहे, क्योंकि फिर डर लगा रहता है। खैर, अभी तो स्टोर ओपन होने का था, जस्ट आज हमको कॉल करके बुलाए थे। और क्यों बुलाए थे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करती, क्योंकि मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, मैं जस्ट शूट ले रही थी। तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, देन फिर आगे का अपन करते हैं। तो मैं बाकी की बातें आगे करूँगी, देन आपको बताऊँगी कि मैं स्टोर क्यों गई थी और हमको स्टोर क्यों बुलाए थे, और बहुत सी अच्छी बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं आगे। तो अभी मैंने आते आते चिकन लेकर आई थी, मम्मी की फरमाइश थी चिकन की, कि मम्मी बोले चिकन लेकर आना, तो फिर मैं चिकन लेकर आई थी। तो चलिए हम बनाते हैं चिकन, और इस बार देखते हैं कैसा मैं बनाती हूँ, कौन से स्टाइल का बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, फिर देन उसके बाद हम बातें करते हैं। और ये देखिए, मैं जब स्टोर गई थी तो अपनी हेयर स्टाइल को किस तरीके से बना के गई दिख रहा है आपको, एकदम सिंपल सिंपल। एक्चुअली मुझे टाइट बाल बनना था, बहुत गर्म भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ हेयर स्टाइल भी हो जाए, कुछ यूनिक सा हो जाए। तो ये देखिए मेरी चोटी। तो चलिए चलते हैं। और एक और चीज़ बताती हूँ, अभी मैं जस्ट ऊपर आई थी तो मैं अभी आपको बताती हूँ बैक कैमरे से। तो ये मेरा आज का नया जुगाड़ था। तो मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ज़्यादा देर तक मतलब पकड़ते नहीं बनता है, तो इसीलिए मैंने ये दो ईटा रखा था। ये विंडो लग चुकी है अभी, तो सपोर्ट के लिए हो गया था। तो मैं यहाँ रख के ऐसे मोबाइल में आपसे बात कर रही थी अभी। तो आपको पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा, जो मतलब डोर वगैरह दिख रहा था आपको। तो खैर चलते हैं, चलिए चलते हैं नीचे। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ चिकन भुना मसाला, वो भी मेरी स्टाइल में। और चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, इसके पहले भी मैंने शेयर किया हुआ था। तो देखिए मैंने प्याज कट करके रखा हुआ है, 3 बड़े प्याज जो मैंने कट करके रखा है, तेज पत्ता निकाल के रखा हुआ है, काली मिर्च, सॉरी बड़ी इलायची, काली मिर्च है, और क्या है, दालचीनी, कर्णफूल और जीरा जो बोलते हैं वो है। तो देखिए तेल गर्म हो चुका था, तो इसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए, प्याज को डाल दिया, और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट था वो डाल दिया। सांभर नहीं था तो मैंने सांभर नहीं डाला है। तो जस्ट मसाला पक रहा है, तो देखो मम्मी आम रस की तैयारी कर रही है, जो हम सबका फेवरेट है। और प्याज अच्छे से भून चुका है, तो इसमें डाला है मैंने हल्दी मिर्ची, गरम मसाला, नमक और धनिया पाउडर। अच्छे तरीके मिक्स करने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके इसका कलर दिख रहा है इसका। और प्याज को अच्छी तरीके से भूनना है, मतलब ज़्यादा नहीं भूनना है, डार्क लाइट ब्राउन होने तक का भूनना है। तो मसाला भी अच्छे से भून चुका है, इसमें हम मैंने डाल दिया चिकन जो मैरिनेट करके रखा था वो, एंड जो पानी दिख रहा था ना आपको, वो अपन बाद में डालेंगे, इसलिए मैंने उसे बचा के रखा हुआ है। तो देखिए चिकन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो अभी इसे हम ढक के पकाते हैं थोड़ी देर में, देन फिर हम इसे देखते हैं कि। तो देखिए अभी ये चिकन तो पक रहा था, तो मैं बैठी थी
तो मैं अपने बड़े मामा को कुछ काम कर रही थी, उन्होंने मुझे कुछ एडिटिंग के लिए दिया था, तो जस्ट मैं वही करते बैठ गई थी। मैं भूल गई थी क्योंकि उनको जल्दी देना था, तो मैं भूल चुकी थी देने का, तो मैं बस वही कर रही थी। तो देखिए अब चिकन फिर से चेक करने आई हूँ मैं, तो चिकन अभी ऑलमोस्ट पकने में आ ही गया है। तो देखते हैं अब ये इसमें जो पानी हमने निकाल के रखे थे वो अभी मिक्स कर रही हूँ मैं, और चिकन अभी काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और आधा पक चुका है, तो इसे हम थोड़ा और अच्छे तरीके से पका लेते हैं। तो देखिए अभी आमरस भी यहाँ पे रेडी हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से मम्मी ने बनाया, ये हम सबका बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये जो आमरस देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल मतलब पापा झाड़ से तोड़ के लेकर आते हैं, मतलब पापा जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे वो पेड़ है, वहाँ पे ना आम जैसे हवा वगैरह आती है तूफान वगैरह तो आम गिरते हैं, तो बस वो लेकर आते हैं। इतने नेचुरल मीठे आम है कि इसमें ज़्यादा शक्कर वगैरह भी यूज़ नहीं करना पड़ता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए वापस आ गए हम सब्जी की तरफ, तो चिकन अभी ऑलमोस्ट पक चुका है, देखो कितनी अच्छी इसमें तरी आई हुई है, मस्त अच्छा और एकदम टेस्टी दिख रहा है, और ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी था ये। तो देखिए अभी चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है बहुत अच्छी तरीके से, और आपको ये अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छी बनी थी और खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, चिकन भुना मसाला बहुत टेस्टी, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो देखिए अभी इसमें सांभर वगैरह, चलिए अभी खाना रेडी हो चुका था तो अभी करते हैं हम लंच, बहुत जम के भूख लग गई थी और थोड़ा लेट भी हो चुका था। तो देखिए मेरी लंच थाली कुछ इस तरीके की दिख रही थी, खाना वाना तो सब हो गया था, खाना खाने के बाद 4:30 का मेरा कॉन कॉल था, तो वो अटेंड करने के बाद अभी थोड़े टाइम के मैं ये बर्तन साफ़ करने आ गई थी क्योंकि बहुत सारा पसारा हो गया था इसीलिए। और हमारी मेड भी नहीं आ रही है, एक्चुअली हम लोग कोरोना की वजह से उनको नहीं बुला रहे हैं, तो अभी हम लोग ही सब लोग कर लेते हैं जब तक अभी जॉब शुरू नहीं होता है, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ना आधा छूट भी जाता है और क्या बताना है। तो चलिए मेरा बर्तन भी रेडी हो चुका है। एवरीवन, मैं आ गई हूँ वापस से, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपसे बाद में मिल के बैठ के बात करती हूँ, तो अभी मैं आ गई हूँ वापस से और मैं सच में आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी सच में, कि कहना मॉर्निंग से उठी हूँ, मॉर्निंग से मतलब मॉर्निंग से भी नहीं पर आज जल्दी उठ गई थी थोड़ा, और बहुत सारे काम करते करते मैं आ रही थी पूरा रास्ते से, मतलब पूरे काम बोलते हैं ना एक बार घर से बाहर निकलते हैं तो मतलब सारा काम करते करते आई, और फिर एक के बाद एक ऐसे काम लगे रहते हैं, तो बस वही करते करते मैं आई थी जिम पे घर। फिर मैंने आपसे बात किया कि मैं अभी जस्ट आई हूँ, फ्रेश फ्रेश हुआ और फिर मैंने लेकर आई थी चिकन, तो मैंने वो सब बनाया, तो आपने देखा कि वो किस तरीके का बना है, और सच में गाइस बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि और सच में मैंने बनाया है क्या, बहुत टेस्टी बना है एकदम मस्त, तो वो देखना ज़रूर कि कैसा बनाया मैंने, और आप लोग भी एक बार से ज़रूर ट्राई करना कि वो कैसा बनाए करके। और फिर वही सब बनाने के बाद खाना वाना खाने के बाद, एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया था लंच के लिए, तो थोड़ा खाना वाना खाने के बाद फिर क्या, मैं थोड़ा काम में लग गई थी अपने, एक्चुअली मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करना था, तो मैं बस वही कर रही थी, वह करने के बाद फिर थोड़ा मतलब एडिटिंग वगैरह किया, देन फिर वही सेम कॉन कॉल रहता है हमारा आफ्टरनून में, मतलब इवनिंग ही बोल सकते हैं, 4:30 बजे हमारा कॉन कॉल स्टार्ट होता है, तो बस उसी केस में लगे हुए थे। देन वो सब होने के बाद फिर देखा मैं आज कितने काम कर रही थी, बर्तन वगैरह मांजा, और बर्तन वगैरह मांजने के जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मैं, तो सोचा मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ, मैंने अपना वीडियो क्लोज भी नहीं किया है, मतलब एंड भी नहीं किया है, और आपसे बातें भी करनी थी, तो जस्ट मैं वही बतानी थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे आगे मिलती हूँ और देन आपको मैं बताती हूँ कि मैं आज स्टोर क्यों गई थी। सो मैं ज़्यादा तो उसमें कुछ बता नहीं पाऊँगी आप लोग को, बस इतना ही बता पाऊँगी कि हमारा जो स्टोर है वो सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इस चीज़ के लिए कि इतने कोरोना में भी, इतने कोविड सीजन में भी, मतलब जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके हिसाब से बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मतलब बाकी अगर हम देखेंगे ना तो बाकी का मैं उतना नहीं बोल सकती हूँ जितना मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा जो स्टोर है, एक्चुअली मैं रिटेल एम्प्लॉय हूँ और रिटेल्स का आप लोग को पता ही है कैसा क्या रहता है, तो बस वही, और हमारा जो स्टोर है बहुत सपोर्ट करता है हम लोग को बहुत ज़्यादा, कोविड से रिलेटेड अभी जो मतलब सिनारियो चल रहा है, मतलब जो अभी सिचुएशन चल रही है जिस बेस पे, तो उसमें भी हमारा स्टोर बहुत हमको सपोर्ट कर रहा है। प्लस आज हमको मेन पॉइंट ये था कि आज हमको कॉल करके क्यों बुलाए थे, तो आज हमको कॉल करके इसलिए बुलाए थे क्योंकि हमारा हमें हमारे कंपनी की तरफ से वो ऑक्सीमीटर मिलना
मिलने वाला था, तो जिस वजह से हमको कॉल करके बुलाए थे कि हमको 12 बजे टच होना है, देन हम लोग फिर गए थे। मैं यही बोलूँगी और मैं अपना ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस जो था वही था और उतना ही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। जो मैंने आज काम किया वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग की मैंने सारी रूटीन आप लोग के साथ शेयर करी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइस, मैंने जो चिकन बनाया है ना उसे ज़रूर एक बार ट्राई करना, वो बहुत टेस्टी बना था, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और सच में मतलब आई प्राउड कि मैंने इतना अच्छा बनाया उसे, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। मैं जब खा रही थी ना तो मैं यकीन नहीं कर रही थी यार सच में, कि मतलब कभी कभी लगता है ना, हम बनाते तो है, बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ मैं, बहुत अच्छी अच्छा भी बना लेती हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, वाओ सच में यार ये मैंने बनाया, ऐसा वाला हो जाता है। तो सेम वही था वो, कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि यार सच में मैंने ये बनाया है ऐसा। तो मम्मी ने तो पहले ही इसको मतलब रोटी चावल वगैरह बना के रखी थी, तो देन मैं आके फिर सब्जी बनाई और वही था। और क्या होता है कि मैं जब ना स्टोर जाती थी अपने, तो हमारा एक मतलब मैं उसे खाऊ गली बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मतलब चुटराम चाटराम खाना, कुछ भी जो चीज़ें रहती है वो। तो आज मैंने सोचा था, आज तो मैं घर से जा रही हूँ तो मैं लेकर आऊँगी, तो मैंने आप लोग को दिखाया भी है कि मैंने क्या क्या लेकर आई हूँ। और ये मैं हमेशा लेकर आती हूँ, हमेशा मतलब जितनी चीज़ें आपको दिख रही थी वो हमेशा मैं लेकर आती हूँ, जैसे ख़त्म होता है वैसे लेकर आती हूँ, जैसे ख़त्म होता है वैसे लेकर आती हूँ, तो वह एनी टाइम मेरे पास रहती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो भैया ही हमें कॉल करके बोलते हैं कि मैम आज ये चीज़ आई है, मैम आज वो चीज़ आई है, तो ऐसा है। तो वो भैया भी बहुत पहचान के हो गए हैं और बहुत अच्छा है, मतलब बोल ही सकते हैं कि क्या है, तो वो बहुत अच्छा है। तो चलो मिलते हो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोशिश करूँगी कि और अच्छी वीडियो में लेकर आऊँ, और अच्छी वीडियो में आप लोग के साथ प्रेजेंट करूँ, और अच्छी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो। तो वैसे भी मुझे बहुत सारा मतलब सपोर्ट तो मिल रहा है, बट मैं और चाहती हूँ कि मुझे और सपोर्ट मिले और मैं आगे आगे अच्छा अच्छा अपना इम्प्रूव करते जाऊँ। तो बस यही सब आप लोग की वजह से ही होता है, जैसे जैसे आपका कमेंट्स आते हैं, जैसे जैसे आप बोलते हो वैसे वैसे ही सब कुछ चलते रहता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, तो मैं अगर बोलते जाऊँगी तो वो और लंबा लंबा होते जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा वीडियो बन जाएगा अभी ये। तो खैर इसे मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।